नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल लोरिया, सैमसंग गैलेक्सी M31। दोस्तों, कभी ऐसा हो कि आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो और अचानक से आपका मोबाइल डेटा ख़त्म हो जाए, तो आप क्या करते हो? आप वाईफाई यूज़ करना पसंद करते हो, किसी के मोबाइल में वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन कर देते हो और अपने फ़ोन में उसका वाईफाई यूज़ करते हो। लेकिन मान लो उसके फ़ोन से जब आप वाईफाई यूज़ करते हो, मान लो आपके दूसरे फ़ोन में भी मोबाइल डेटा ख़त्म हो चुका है, तो अब इसमें भी आपको मोबाइल डेटा ऑन करना है, तो कैसे करेंगे? आपने इसमें तो ऑन कर दिया है, लेकिन इसमें कैसे करेंगे? आप कहोगे कि मैं तो उसका वाईफाई ले लूंगा, लेकिन मान लो उसमें अगर कुछ सेटिंग्स होगी, उस नेटवर्क से आप 5 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। मान लो आपका जो डिवाइस है वो पाँचवा है, या आपका डिवाइस पाँचवा है, इसके बाद उस वाईफाई से कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा, तो आप इस डिवाइस को उस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है? आपको वाईफाई शेयरिंग यूज़ करना है अपने सैमसंग के फ़ोन में। तो फिर चाहे वो M30 हो, M20 हो, M30S हो या फिर M31 हो। तो दोस्तों, जो ऐसे में जो लिमिटेशन होती है 5 डिवाइस की या 10 डिवाइस की, वो आपको हटानी हो। आपका डिवाइस पाँचवा हो, इसके बाद आप उस वाईफाई नेटवर्क से इस छठे डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? आप अपने फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए और वही वाईफाई फिर इसमें आप शेयर कर दीजिए, तो उसे कहते हैं वाईफाई शेयरिंग। तो आप ऐसा कर सकते हो। हमें पता है कि हम हॉटस्पॉट कैसे यूज़ करते हैं, हमारे फ़ोन में हम मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं, फिर इसका मोबाइल डेटा हम इसमें शेयर करते हैं, तो उसे कहते हैं हॉटस्पॉट, मोबाइल हॉटस्पॉट। लेकिन अगर आपका मोबाइल डेटा ही खत्म हो चुका है आपके इस डिवाइस में, तो फिर आप शेयर क्या करोगे? तो ऐसे में जो दूसरा नेटवर्क होता है वाईफाई नेटवर्क, आप अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लीजिए। अगर उसमें कुछ लिमिटेशन है, मान लो 5 डिवाइस कनेक्ट होते हैं या 10 डिवाइस कनेक्ट होते हैं, आपका जो डिवाइस है आखिरी है, इसके बाद कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकता, तो आप क्या कर लीजिए? आप इस डिवाइस का जो वाईफाई होगा आप इसमें शेयर कर लीजिए। तो आपको करना कैसे? आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको कनेक्शन में जाना है, वाईफाई को ऑन करना है, फिर आपको जो जो भी वाईफाई नेटवर्क आपको जो कनेक्ट करना है उसको आप कनेक्ट कर लीजिए। जैसे आईफोन हुआ, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है आईफोन का नेटवर्क। अभी इसके बाद आपको एक ऑप्शन इनेबल करना है, इसमें वो होता है वाईफाई शेयरिंग का। आपको जाना है मोबाइल हॉटस्पॉट टेथरिंग में, इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन कर देना है। इसमें ऑप्शन में जाना है आपको अंदर में, फिर आपको यहाँ पे वाईफाई शेयरिंग का ऑप्शन आएगा, उसको इनेबल कर देना है। ये डिसेबल होगा तो इसको इनेबल कर देना है। अभी यही वाईफाई नेटवर्क अभी आपको दूसरे फ़ोन में यूज़ करना है, यही वाईफाई, मतलब इस फ़ोन से। अभी मैं इसमें फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ वाईफाई आईफोन का, लेकिन मुझे अभी इस फ़ोन का मतलब सैमसंग गैलेक्सी M31 का वाईफाई मुझे किसी और फ़ोन में यूज़ करना है। जैसे मान लो रियलमी के फ़ोन में यूज़ करना है, तो मैं ये करूँगा। अभी मैं इस फ़ोन में आईफोन का यूज़ नहीं करूँगा, मैं अब फ़ोन करूँगा गैलेक्सी M31 का। आप देख सकते हो यहाँ पे गैलेक्सी M31। हालांकि मैं इसमें मोबाइल डेटा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वाईफाई आईफोन का। अभी इस वाईफाई जो आईफोन का वाईफाई है मैं अभी इसमें यूज़ करूँगा, लेकिन ये वाईफाई यूज़ होगा गैलेक्सी M31 के थ्रू से। तो अब मुझे इसको कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट हो चुका है पहले से ही। तो आप इस तरह से इस फ़ोन में जो वाईफाई यूज़ हो रहा है वही आप इसमें शेयर कर पा रहे हो, आप इसमें यूज़ कर पा रहे हो। तो जो फ़ोन है वाईफाई जो नेटवर्क है आईफोन का, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है सैमसंग गैलेक्सी M31 में। अभी सैमसंग गैलेक्सी M31 में जो वाईफाई चल रहा है आईफोन का, वही आईफोन का जो वाईफाई है मुझे अभी किसी और फ़ोन में लेना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। आपको वाईफाई शेयरिंग ऑन करना है, आपको पता है कि ऑन कैसे करना है। आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको कनेक्शन में जाना है, मोबाइल हॉटस्पॉट टेथरिंग में जाना है, मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन कर देना है, फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको वाईफाई शेयरिंग। इसके बाद दूसरे जो फ़ोन है उसमें आपको वाईफाई ऑन कर देना है, तो आपका जो फ़ोन होगा जो दूसरे वाईफाई से आपके फ़ोन में, ये जो आपका ये मेन फ़ोन है आप उसमें जो दूसरा वाईफाई है यूज़ कर रहे हो, और यही वाईफाई है आप इसमें भी यूज़ कर रहे हो, तो आप एक साथ वाईफाई और वाईफाई हॉटस्पॉट एक ही साथ यूज़ कर सकते हो आपके गैलेक्सी M31 में, M30S में या M20 में भी। तो आप सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के कोई भी फ़ोन में वाईफाई और वाईफाई हॉटस्पॉट एक ही साथ यूज़ कर सकते हो, और अपना जो वाईफाई होगा वो दूसरे डिवाइस में भी शेयर कर सकते हो। तो ये था दोस्तों वाईफाई शेयरिंग के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।